हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज अप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, द टर्म इकोनॉमिक्स इज डेराइव फ्रॉम। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? ऑप्शन ए है हमारा इंग्लिश, ऑप्शन बी है लेटिन, ऑप्शन सी है ग्रीक एंड ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज एंड इसका रूट वर्ड है ओ इकोनॉमी, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? वो माना जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, कंस्पिकस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज। कंस्पिकस गुड्स के अदर नेम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा प्रेस्टिज गुड, स्नोब गुड, ऑप्शन सी है बेबलन गुड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कॉन्स्पिकस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रेस्टिज गुड्स, स्नो गुड्स, वेबलैन गुड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो मीन्स। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो कब होगी, इन विच कंडीशन? लास्टली जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं ग्राफ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो जब होगी तब हमारा क्वान्टिटी जो है इंक्रीज नहीं हो सकता, जब हमारी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। सो क्वांटिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ES इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू जीरो हेयर। सो दिस कंडीशन इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। प्राइस हमारा घटे या बढ़े तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, क्वांटिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज, जस्ट सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व किसे कहा जाता है? प्लानिंग कर्व कहा जाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इज नोन एज प्लानिंग कर्व। अब लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होगा, आइए देखते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा बनेगा? ये बनेगा कुछ इस टाइप का। लॉन्ग रन में जो है एवरेज कॉस्ट कर्व होता है यू शेप का, बट इन मॉडर्न टाइम्स इट इज लाइक एल शेप, बिकॉज जो लॉन्ग रन में जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, तो इट बिकेम एल शेप फॉर मॉडर्न फॉर्म्स। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व इन लॉन्ग रन विल बी एल शेप्ड, ओके, जिसे प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस एज द। जीएसटी जो है किस अमेंडमेंट एक्ट के जो अकॉर्डिंग है वो लागू किया गया था? वो किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमेंडमेंट एक्ट नंबर 101। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 101। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, द हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट। जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वो है हमारा न्यू दिल्ली में। सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, सॉरी न्यू दिल्ली इज अवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, वर्ल्ड रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ। ये किसकी पब्लिकेशन होती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? इन्हें पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स। इकोनॉमी में टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ स्टेज होती है एक ग्रो करना, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट्स विद ए बैंग, दैट मीन्स सेल्फ रिलायंट बनना, सेल्फ सफिशियंट बनना। इट इज ए कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट दिस टर्म इज गिवन बाय रोस्टू, ROSTOW. This term is given by Rostow. इसका राइट आंसर है स्टडी ग्रोथ बिगिंस, दैट मीन्स वी बिगिन
from steady growth, but at a time we reach up to the level of self-sufficient. Okay, so next question है हमारा, the basic problem studied in macroeconomics. Macroeconomics की जो है basic problem क्या है, वो होती है production of income. So the right answer is production of income, option C. I hope you like my video. Please like, share and subscribe my video. Thank you for watching.